गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। राजू विश्वास थैंक के हाँ यू। में लगाओगे तो टिकॉन खराब हो जाएगा। बंद करके लगाया था, मैंने वीडियो को पॉज किया था उसमें। देखिए, एक साइड में दोनों जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रही है, ठीक जी सर जी है, फिर भी आप गेट लाइंस कवर करके देख लो इस साइड की। करके देखिए। अगर एक्चुअली ऐसे राइट साइड की है ना जो खराब है। जी हाँ, राइट साइड की खराब होगी तो ज्यादातर रिपेयर नहीं होगी। टिकॉन वाला जो टीवी होता है जिसमें डबल एफएफसी केबल होता है, उसमें राइट साइड ओके होना चाहिए, लेफ्ट साइड आप टेप लगा के चला सकते हैं। एक लेकिन वीडियो उसमें बता चला रहा हुआ हूँ आपको, वीडियो भी है ना बीच में। हाँ पहले मैं एक वीडियो बता रहा हूँ आपको। विनोद सप्पल देख रहे हैं? हाँ भी आला। हाँ जी, ये वाला वीडियो देखा है सर मैंने। हाँ, ये वाला जो है ना, इसमें आप देखो किस साइड में प्रॉब्लम था। ठीक है जी। मैंने कल देखा है सर वीडियो के बारे में आपका। अब देखो इसमें लेफ्ट लेफ्ट वाला जो है, हाँ, डबल इमेज है। राइट साइड का अगर जो ओके हो ना, जी सर। देखो, और पिक्चर भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो हाफ है उसमें लाइन की गैप्स है, ठीक है। लाइन की गैप्स क्यों है? क्योंकि उस साइड की जो बेसिक लाइंस है ना, वो कट गई है अपने आप ही। अगर जो जी आप एक एफएफसी निकालते हो ना, तो कंप्लीट बिना मतलब गैप का आपको पिक्चर देखना चाहिए। दो चीजें देखनी है आपको रिपेयर करते समय। जी हाफ जो पिक्चर है एकदम क्लियर, कोई लाइंस नहीं, इवन जो गैप्स नहीं होने चाहिए लाइंस के बीच में, ठीक है। जी अभी आपका वीडियो देख लेते हैं। आपका हाफ हाफ में प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये पूरा कांस्टेंट सब जगह पे होना चाहिए। ऐसा हाँ नहीं कि अर्धी पिक्चर इस तरह की दिख रही है, अर्धी ऐसी, जी ठीक है। जो प्रॉब्लम दिखे तो सब जगह इक्वली दिखनी चाहिए। डबल इमेज हो तो सभी जगह इक्वली होनी चाहिए। ठीक है। और हाफ टिकॉन का जो आपको केबल निकालने के बाद किसी एक साइड में कंप्लीट इमेज आनी चाहिए, ये दूसरी शर्त है रिपेयर होने की। अगर जो सर दोनों में से कोई एक भी चीज नहीं हुई, तो फिर आपका रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होगा। नमस्कार। गुरुराज, हाँ सर, या गुरुराज बात कीजिए। सर मैंने ये फिलिप्स का फोटो डाला था 4K टीवी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? उसमें ब्लैंक पिक्चर है सर। दो रिबन केबल आता है हाँ, टीकॉन पे, और एक एक रिमूव करके ऑन किया तो बाकी पूरा वोल्टेज बनता है VGH AVDD पूरा। और फिर से वो केबल कनेक्ट किया तो ये वोल्टेज पूरा जीरो होता है। अगर मैं एक साइड को ओपन करता हूँ ना, उस टाइम वोल्टेज बनता है ना, उस साइड का व्हाइट पिक्चर आता है। मतलब एक एक साइड जो आप निकालते हैं केबल, जिस समय हाँ पे सारे वोल्टेज बनते हैं, हाँ व्हाइट पिक्चर आता है एक व्हाइट साइड। पिक्चर आता है, हाँ सर। ठीक है, और दूसरी साइड आप लगाते हैं तो वो वोल्टेज सब ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप होता है, ब्लैंक पिक्चर होता अच्छा, और शॉर्ट कुछ दिखाता है वो केबल लगाने के है। बाद? पीएफ चेक किया सर, पीएफ वगैरह। नहीं, शॉर्टिंग दिखता है कहीं टेस्ट नहीं नहीं पॉइंट्स? सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। अभी अगर जो आपके ये जो गेट की शॉर्टिंग ग्राउंड से नहीं है, नहीं सर। हाँ, तो आपको आपकी जो गेट की शॉर्टिंग है गेट से, मतलब गेट टू गेट शॉर्ट है, हाँ सर। ठीक है। तो इस टाइप ओके के सर। केसेस में नॉर्मली कॉफ जो होती है, गेट कॉफ, हाँ सर।
वो शॉर्ट निकलती है, लेकिन आपकी दोनों साइड में गेट कॉफ है या नहीं है देखना है आपको पहले पूरा पैनल ओपन करके। पूरा ठीक है सर, ठीक है। पैनल ओपन करने के बाद आपको एक भी साइड गेट कॉफ दिखती है तो हाँ सर, पैनल आपने स्ट्रेट रखा हुआ है, पैनल का पोर्शन ऊपर है, पीसीबी आपकी साइड है, ठीक है, तो हाँ सर, राइट वाला ओके होना चाहिए हाँ सर, ओके ओके। और लेफ्ट वाला जो है उसकी जो गेट कॉफ है आप निकाल सकते हैं, गेट कॉफ, ठीक ओहो, है, मतलब ओके किनारे सर, पे ओके। लगी हुई कॉफ होती है उसको गेट कॉफ बोलते हैं, सोर्स हाँ पीसीबी पता पे है, लगती है उसको सोर्स कॉफ बोलते हैं, ठीक है। गेट कॉफ हाँ मतलब पता है सर, गेट पर अपनी ओके। खड़ी जगह पर। मैं इसलिए बार बार इस चीज को बार बार रिपीट करता हूँ कि कोई सोर्स कॉफ ना निकाल दे गेट कॉफ समझ के। तो दोनों साइड में होना चाहिए, एक तो ओके रिपेयरिंग की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, राइट साइड एक ही जगह पे है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है रिपेयर होने की, क्योंकि शॉर्टिंग है, कोई वोल्टेज मिसिंग नहीं है, लेकिन गेट टू गेट ठीक शॉर्टिंग है। है, हाँ सर, ओके, दूसरी साइड अगर जो लेफ्ट साइड का केबल जो है वो मतलब कॉफ खराब है अगर जो, तो आप निकाल सकते हो, दोनों ओके साइड ओके। में हेलो गेट कॉफ होना चाहिए। सर, हाँ ठीक हाँ है, सर, 4:02 पर एक वीडियो पोस्ट किया हूँ। 4:02 पे। हाँ नरेंद्र, क्या प्रॉब्लम हो सर, रहा है उसमें? वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। सर उसमें 51 का एलजी डेटा में पैनल है, 51 पिन का एलवीडीएस, सर उसमें मैपिंग टाइप का प्रॉब्लम है और उसका 7 नंबर पिन को मैं कट करके ग्राउंड था, 3.3 वोल्ट देता हूँ तो भी डिफोकस जैसा सात पिक्चर दिखता सात नंबर का पिन आप है। एक नंबर से ही काउंट कर रहे हैं ना? जी, हाँ नंबर परफेक्ट है, काउंट किया, चेक भी किया सर, हाँ ठीक है, वो ग्राउंड पिन है क्या? ग्राउंड किया हुआ है ग्राउंड किया गया है, एलवीडीए से ब्लैक कलर का वायर आया है एलवीडीएस, मतलब मदरबोर्ड से ब्लैक वायर आ रहा है, उसको जी काट जी दो आप। जी उसको कट कट कर दिया ठीक है, उस पे 3.3 दे दो आप, जी, लेकिन पिक्चर जो आ रहा है तो अभी डिफोकस जैसा दिख रहा है सर, उसके मतलब बावजूद मैपिंग भी, का ठीक हो गया, हाँ मैपिंग का तो ठीक हो गया लेकिन वो डिफोकस जैसा पिक्चर दिख रहा है, डिफोकस जैसा आ रहा है ना, तो कई बार ऐसा ही है, नेटिंग जैसा होगा। हाँ नेटिंग भी दिखता है हाँ डिफोकस। तो कई बार ऐसा होता है कि 3.3 वोल्ट जो है ना, सिर्फ वोल्टेज देने से काफी नहीं होता है, उसकी बिट सिलेक्शन को चेंज करना होता है। तो बिट सिलेक्शन पिन 27 नंबर है। जी कौन सी? 27। 27 नंबर की पिन पे चेक करो वोल्टेज कितना आ रहा है, जी 27, ठीक है, पिन जी नंबर 27। और उसको अगर जो भी वोल्टेज आ रहा हो पहले ग्राउंड से चेक कर लो, 0 वोल्ट है तो, जी और ग्राउंड किया हुआ है तो देख लो कि ग्राउंड रजिस्टर हो रहा है या क्या, उसको हटा के 3.3 देना है, या 3.3 है तो ग्राउंड करना है, 27 नंबर सर, 27 नंबर। और सर उसमें साउंड वो भी नहीं बिट आता। सिलेक्ट है, बिट सिलेक्ट पिन है वो, जी जी समझ गया सर, 10 बिट 8 बिट के लिए। सर उसमें साउंड भी नहीं आता, कभी कभी आएगा तो जोर से खर करके फिर साउंड आएगा। तो ये आपकी प्रोसेसर की हो गई, प्रोसेसर से ही आपका जो सिग्नल है वो वेस्ट आ रहा है। आप एक काम करो ना, दूसरा बोर्ड लगा के चेक करो पहले। दूसरा बोर्ड लगा के परफेक्ट है सर, ओके, तो आपका प्रोसेसर का प्रॉब्लम है। देखो ये कॉमन लिंक होता है, प्रोसेसर से सिग्नल निकलता है, उसी प्रोसेसर से साउंड सिग्नल निकलता है, दोनों जी डिस्टर्ब हो रहा है। और मेनू में भी अगर जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जिसको बोलते हैं, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले भी अगर जो सेम है उसमें भी डिस्टॉर्शन दिखता है, तो ये आपका कंफर्म प्रोसेसर फॉल्ट है।